गणपति उत्सव मनाते थे। पहली बार श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में पुणे के शनिवारवाड़ा में पहले गणपति की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, पूना महाराष्ट्र में, वहां पर एक बड़ा स्थान है शनिवारवाड़ा। इस शनिवारवाड़े में पहले गणपति की स्थापना हुई थी 1894 में, और वो स्थापना स्वयं श्री लोकमान्य तिलक ने अपने हाथों से की थी। और उस स्थापना में एक गणपति मंडल उन्होंने बनाया था, शनिवारवाड़ा गणेश मंडल, वो भारत का सबसे पुराना गणेश मंडल है। तो उस गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संकल्प कराया था कि हम ये गणेशोत्सव का पर्व 10 दिन तक मनाएंगे, अंग्रेज पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करेगी तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन गणपति उत्सव को हम जरूर मनाएंगे। और ऐसे करके ये गणेशोत्सव की शुरुआत हमारे देश में हुई। और सौभाग्य से क्या हुआ, 1894 का पहला जो गणेशोत्सव शनिवारवाड़ा में हुआ, तो अंग्रेज पुलिस थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि जो गणेशोत्सव को मनाने वाले कार्यकर्ता थे उनको वो पकड़ नहीं सकते थे। कारण ये था कि वो धार्मिक ये गतिविधि में शामिल है, राजनीतिक गतिविधि में अगर वो शामिल होते, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में होते, तो पुलिस उनको अरेस्ट करती, लेकिन चूंकि वो धार्मिक गतिविधि में, इसलिए अंग्रेज पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और पूरे 10 दिन तक वो गणपति उत्सव चला। 1894 में अक्टूबर 20th 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। श्री लोकमान्य तिलक ने हर दिन शाम को एक व्याख्यान वहां पर आयोजित किया था। स्वयं श्री लोकमान्य तिलक उस व्याख्यान में हाजिर रहते थे, खुद उसमें शामिल होते थे और बड़े बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे। एक दिन का व्याख्यान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकत्ता से